नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीएसआई का जैसे ही एक नोटिस वायरल हो रहा है, आप सभी देख रहे हो कि जो डीबीपीएसटी के बारे में बात की जा रही है कि सिर्फ 20 हज़ार बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे उसे फेक बोल रहे हैं, कुछ बच्चे उसे जेन्यून बोल रहे हैं। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो विभागीय नोटिस है और वो कहीं वेबसाइट पे नहीं आएगी। वो विभाग को भेजा गया है, जोनल ऑफिस को भेजा गया है, जो 8 जोन हैं उनको, कि आप अपना 31/12 तक ब्यौरा दीजिए कि क्या आप 20 हज़ार बच्चों का डीबीपीएसटी करा पाएंगे नहीं, और उसका व्यवस्था करिए। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगला चरण जो आपका होने वाला है वो डीबीपीएसटी का होने वाला। और ये भी श्योर है कि अभी जो आयोग है वो ऑलमोस्ट आपका 20,000 टॉप 20,000 स्टूडेंट को बुलाएगा डीवीपीएसटी के लिए। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 हज़ार का होगा, जाहिर सी बात है 10 हज़ार वैकेंसी है, ऑलमोस्ट 9 हज़ार समथिंग वैकेंसी है आपकी, तो 20 हज़ार में वो पूरे बच्चे नहीं मिल पाएंगे। वो मैंने कल आपको एक वीडियो दिया गया था, उसमें बताया गया है कि लिस्ट वाइज लिस्ट निकलेगी, जैसे उनको 20 हज़ार में जितने बच्चे उनके फुलफिलमेंट हो जाएंगे, फिर अगली लिस्ट निकलेगी जब जो भी और बच्चे होंगे जिनका ज़रूरत होगी। मान लीजिए 20 हज़ार में उनको 6 हज़ार 5 हज़ार जो भी मिले, और जो बच गए वो आगे वाले लिस्ट में वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। लेकिन होना है आपका डीबीपीएसटी कब होना है, उससे पहले क्या क्या होगा ये जानो। सबसे पहली बात कि अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, तो एक चीज और ध्यान दे लो कि अभी आपके पास समय है। ठीक है, जो भी है कोर्ट केस चल रहा है एसआई के मामले में, वो सब कुछ करते रहो, वो आपका अधिकार है। कहीं भी आपको लग रहा है कि यहाँ धांधली हुई है, कुछ भी दिक्कत हुआ है, सब कुछ करो, प्रोटेस्ट में भाग लो, हर चीजें करो। लेकिन जो आवश्यक है कि जो एक तो गति से आपका आयोग चल रहा है, उसके साथ साथ आपको भी चलना है। सुबह जाओ, दौड़ लगाओ, बाकी अपना डॉक्यूमेंट सही कर लो, और जहां प्रोटेस्ट करना है, री एग्जाम कराना है, जो भी करना हो, जहां आपको अनफेयर लग रहा है उस पर आप जरूर भाग लीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ अपनी दौड़ जरूर करते रहिए। तो यहां पर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपकी क्या आएगी, एक रिवाइज आंसर की हो सकता है आए। ठीक है, अगर आयोग बहुत तेजी में है तो ना आए। रिवाइज आंसर की इसलिए आएगी कि कुछ क्वेश्चन में आपको जो आपत्ति है, कुछ क्वेश्चन जो गलत है वो आपको पता चल जाए, या किसी के ऑप्शन गलत टिक किए गए हैं, आंसर कुछ और होना चाहिए, तो रिवाइज आंसर की आएगी। हर बार आई है, पिछली बार 2016 वाले में भी आई थी, इस बार भी आएगी। तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अब दिसंबर तो खत्म होने वाला है, 4-5 जनवरी के अप्रोक्स इसकी रिवाइज आंसर की आ जाए। और डीबीपीएसटी का जो नोटिस है, जो पब्लिक नोटिस आएगा कि कब आपका डीबीपीएसटी कराया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा। जैसे 2016 में 7 दिन लगे थे डीबीपीएसटी के, ठीक है, उसके बाद से पीटी होता है। पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों एक साथ नहीं होगा, बाद में होगा। डीबीपीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक मानक परीक्षा जो परीक्षण होगा वो डीवी के साथ होगा, कि आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितना फूल रहा है, ये सब चीजें, वजन कितना है, ये सब चीजें यहां पर होगी जब डीबीपीएसटी का है। तो पिछली बार ये 7 दिन का, 7 दिन में हुआ था, उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि पिछली बार कितने बच्चे थे और कितना टाइम लगा था, 7 दिन लगा था, तो एक सेंटर पे एक जोन में कितने बच्चे ऑलमोस्ट गए होंगे डीबीपीएसटी कराने के लिए। तो 4-5 जनवरी तो मैं ये बोल रहा हूं, और कहीं ना कहीं आपके सेकेंड वीक जो मैंने बताया कि नोटिस आपको मिल जाएगी कि डीबीपीएसटी आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट जनवरी लास्ट तक आपका हो सकता है कि डीबीपीएसटी, या फरवरी फर्स्ट वीक तक भी डीबीपीएसटी आपका जा सकता है, क्योंकि एक लंबा शेड्यूल होगा, 20 हज़ार बच्चों का कराना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर सेकेंड लिस्ट आएगी तो उसका भी जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं फरवरी मार्च तक, ये कहीं ना कहीं फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक दौड़ भी हो सकती है, अभी अगर जिस रफ्तार से ये चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ कहना नहीं, अगर तेजी बहुत ज्यादा करेगी तो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, मेन है आयोग के ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखने पे आ रहा है कि बहुत तेजी से हर चीजें हो रही हैं, तो कुछ भी कहना आपका, मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी तक आपकी रेस हो, सब कुछ हो जाए। ठीक है, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर पीईटी कब होगा, जब डीबीपीएसटी हो जाएगा, जस्ट उसके अगले दिन ही पीईटी शुरू हो जाता है, जिस दिन इसका लास्ट डेट होगा उसके अगले दिन से पीईटी शुरू हो जाएगा। अब मैं थोड़े से आंकड़े पर बात करता हूं कि जो 2016 की वैकेंसी थी, 3300 पोस्ट थे आपके, 3300 पोस्ट में 11,091 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, बुलाया गया। अब यहां पे आप लोग तुरंत आंकड़ा लगा लेते, सर ये 3 गुना है, इस बार 2 गुना बुलाया, पिछले भी कम बुलाया। एक्चुअली पिछली बार जो आपका सेक्शनल कटर था 50% था, ओवरऑल 50% था, इस बार वो सिनेरियो नहीं है, तो जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उन्हीं को बुलाया गया था। ठीक, इसलिए डबल दूसरी लिस्ट नहीं आई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इतने बच्चों को बुलाया गया तो कुछ लोग इसको 3 गुना मानते हैं, अभी 20 हज़ार बच्चों को बुलाए जाने का संभावना है जो बोला गया है।
तो अगर हम बात करें 11,091 बच्चे थे, 8 जोन में इनको इनकी क्या होगी, डीबीपीएसटी होगी। तो एक जोन को कितने बच्चे मिले, 1,387 बच्चे। जो 8 जोन है आपके, ये है कानपुर है, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद, यहां 8 जोन में, मतलब एक जोन को 1,387 बच्चे मिलेंगे। और उस 1,387 बच्चों का 8 दिन तक डीबी चला था, मतलब एक दिन में आपके कितने बच्चे हुए, 173 के अप्रोक्स, एक सेंटर पे 173 बच्चे एक दिन में उनका डीबी होगा। तो आप सोच सकते हो ज्यादा लोड नहीं ले सकते हैं, इसीलिए 20,000 को पहले बुलाए। हो सकता है कि आज 173 का कर रहे हैं और ये 8 दिन चला था जब 11,000 बच्चे थे, ठीक है, अभी 20,000 बच्चे होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये डेट बढ़ जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपका 12 से 13 दिन चले, ठीक है, या 15 दिन भी चल सकता है। अगर 15 दिन चले तो इसी रेशियो से होगा, तब जाके पूरा होगा, ठीक। अगर 20,000 बच्चों की बात करें, 8 जोन में हमें डिवाइड करना है, तो पर जोन को 2,500 बच्चे मिलेंगे डीबीपीएसटी कराने के लिए, और ये 15 दिन चलेगा तो ऑलमोस्ट आपका 200 बच्चे अप्रोक्स, 12 दिन चले तो 2,400। अगर 200 बच्चे एक जोन को मिल रहे हैं पर डे, ठीक है, तो ये 12 दिन चलेगा, तब जाके एक जोन पर, ठीक है, जो चार कानपुर हो चाहे इलाहाबाद हो, एक जोन पर 2,400 बच्चे आएंगे, जो हमें चाहिए कितने, 2,500 चाहिए, ठीक है। तो 10-12 दिन, जो मैंने बताया कि 12 से 13 दिन भी डीवी चलेगी, इसकी डेट पूरा शेड्यूल आपको दिया जाएगा, आपका एक टाइम टेबल निकाला जाएगा इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक की डीवी इस दिन होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इतना टाइम डीवी में लग जाएगा। तो जो मैंने बताया कि सेकेंड वीक में आपको नोटिस मिलेगा कि कब आपका डीवी होगा, उसके 5, 6 या 7 दिन बाद आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी के फर्स्ट वीक तक, जहां तक मेरा अंदाजा है, चलेगी, और फरवरी में ही फिर आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ये खत्म होगा 12 दिन, 14वें दिन, ठीक है, मान के चलो जैसे ये 8 के बाद 9वें दिन ही इसका क्या हो गया था, पीटी हो गया था, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो गया था, दौड़ शुरू हो गया, क्योंकि जो यहां से बच्चे बाहर जाएंगे उनकी लिस्ट तुरंत आपके वेबसाइट पर आ जाएगी कि इतने बच्चे डीबीपीएसटी में पास हुए हैं और इतने लोग क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। देखिए पहले क्या आएगा, रिवाइज आंसर की आयोग देगा, उसके बाद से रिजल्ट दे देगा, ठीक है। 10-12 जनवरी तक, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 10 जनवरी तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट आपका गोपनीय रखा जाएगा, मतलब आप अपना रोल नंबर सब कुछ डालोगे तो वहीं पे देगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी, ठीक है, कोई मार्क्स वोक्स न शो करे, मार्क्स आपका लास्ट में ही शो करेगा, ठीक। तो यू आर क्वालिफाइड फॉर डीबीपीएसटी देगा, फिर आप डीबीपीएसटी का, जो मैंने बताया कि 15-20 जनवरी तक आपका एक नोटिस आएगा, उसके बाद से आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा कब कब आपका डीबीपीएसटी कराया जाएगा। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एसआई के लिए चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा रहेगा। उसके बाद से उसी दिन डीबीपीएसटी में ही जितने आपके कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए 200 कैंडिडेट का रोज करा रहे हैं, ठीक है, तो उन 200 कैंडिडेटों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। उसमें जैसे मेल हाइट आप जानते ही हो 168 मांगा है, और एसटी अगर कोई मेल है तो उसका 160 फीमेल की जो हाइट है, और फीमेल के लिए ध्यान रखिए, फीमेल के लिए हो सकता है एक दिन रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है, एक दिन रिजर्व, क्योंकि पिछली बार वाले में भी 2016 में जो फीमेल की डीबीपीएसटी हुई थी वो एक दिन में करा ली गई थी। तो ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं 1 या 2 दिन सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। फीमेल की हाइट 152 मांगा है और एसटी में, और देखो ये जो है जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों की है हाइट, यही आपका मेल कैंडिडेट में भी 168 जनरल, ओबीसी और एससी तीनों की है, एसटी की 160 और यहां फीमेल में एसटी की 147 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी और एससी 79 होना चाहिए, एक्सपेंड करने पर आपका 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम है। कोई कहता है कि मेरा 85 सेंटीमीटर सीना है तो उससे मतलब नहीं, अगर 5 सेंटीमीटर फूलता नहीं है तो बाहर कर दिए जाओगे, इतना जान लो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका सीना। एसटी का जो है 77 रखा गया है, चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर इसको फुलाने के बाद 82 होना चाहिए, ठीक है, और इसका आपका 5 फुलाओगे आपका 79 है, और 79 में अगर 5 फुलाते हो तो 84 सेंटीमीटर आपका सीना जो है फूलना चाहिए, ये होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद से जब से डीबीपीएसटी हो जाएगा तो आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, पहले बायोमेट्रिक होगा आपका, क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा कि भाई जो बच्चे हैं वही तो है, कोई दूसरा तो रनिंग करने नहीं आ गया है, और आरएफआईडी
क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक के वजह से आपकी दौड़ होती है, चिप लगाया जाता है और उस वहीं से आपका काउंट किया जाता है कि आपने कितने समय में पूरा किया। और आपकी जो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये 5 जगहों पे होने की संभावना है, ग्यारहवीं वाहिनी पीएससी सीतापुर, 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर, 32वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद, 38वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़ और रिजर्व पुलिस लाइन फैजाबाद। इन 5 जगहों पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जो दौड़ का मानक रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको दौड़ना है, और फीमेल के लिए रखा गया है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना है। तो ये दौड़ होगी जब डीवी के बाद होगी, मतलब डीवी जैसे ही आपका एक शेड्यूल खत्म होगा तो आपके दौड़ का भी शेड्यूल निकाला जाएगा बच्चों को, और इन 5 जगहों पर बुलाया जाएगा उन बच्चों को जो डीवी पीएसटी में क्वालिफाइड होंगे। इसके बाद मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे आपको व्यवस्थित करके ले जाना है, और उसका जो एक तरह से बोला जाए किससे आपको अटेस्ट कराना है, ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक पड़ी रहेगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो भी क्वेरी आपको ऐसा हो जो यूपीएसआई से रिलेटेड, वो जरूर इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं। साथ ही साथ जो बच्चे अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी आपके चांसेस हैं, सबसे पहले एग्जाम आएगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर आएगा, ठीक है, तो वह कंप्यूटर और रेडियो ऑपरेटर का बैच हमारा एक संकल्प रूप से बैच चल रहा है, संकल्प जिसमें 7 बैचेस चल रहे हैं, उसमें आपके यूपी ट्रिपल एस के भी बैच हैं और यूपीपी के मतलब कांस्टेबल भी है, रेडियो ऑपरेटर भी है, जो एसआई आने वाली वो भी है, तो उस बैच को ले सकते हैं, उसमें ऑफर चल रहा है जो सिर्फ 1 तारीख तक रहेगा, उसके बाद से उसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी अफवाहें आ रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान मत दो कि सिर्फ 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनको पूरा 10,000 वैकेंसी पूरी करनी है, जो वैकेंसी जितनी है वो पूरे कैंडिडेट को फिल किया जाएगा, चाहे वो 3 बार में बुलाएं चाहे 2 बार में बुलाएं, ठीक है, लेकिन फर्स्टली जो होगा वो 20,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, उसको कई मायने हैं, कई क्राइटेरिया है क्यों 20,000 को ही बुलाया जा रहा है, ठीक है, वो कल हमने एक लाइव आकर डिस्कशन किया था। बाकी जो भी आपकी समस्याएं हो, ठीक है, वो आप जरूर जो है इस वीडियो के कमेंट में करिए, अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा, तब के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।